फैशन की दुनिया में पहले आया चना जोर गरम फैशन, पर वो सटक गया और डूब गया। एक कोई तो बाहर निकाल लो, मुझे ठंड लग रही। फिर आया बास्केट वाला फैशन और वो भी लड़खड़ा के गिर गया। फिर एक फैशन ने बहुत कोशिश की मार्केट में टिकने की, पर उसको किसी ने बचाया भी नहीं और वो भी घुटनों के बल गिर गया। फिर तो जैसे लोग चलते फिरते धंसने लगे, जैसे कुछ काला जादू का राज हो इस फैशन की दुनिया में। एंड फिर जब पूरी फैशन की चितकबरी दुनिया लिविड़ लिविड़ करते करते हार चुकी थी, तो आया हमारा फिल्टरों का राजा, निब्बियों का शहजादा, रियाज अली उर्फ लेवियोसा। अंकल अंकल अंकल। अरे बेटा क्या चाहिए, ठंड ले लो। हैं अंकल, मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए कोट सिल दो। अरे बेटा तुम क्या लोगे, तुम्हारे लिए क्या चाहिए? दोनों में से जो कपड़ा बचेगा उसका मेरे लिए सिल देना अंकल। और फिर क्या, दिखा दिया टेलर ने अपना टैलेंट। हाय नजर ना लगे। और इस सोनी सुहानी मन लुभावनी फोटो के ऊपर का किलकिलाता सा कैप्शन, Did your boyfriend call you a pataka today or do I have to do it? Jeep chat ki aankh mar ki. नहीं नहीं नहीं, यही तो फैंटेसी होती है लड़कियों की यार, कोई तो पटाखा बोल दो यार। मेरे बॉयफ्रेंड ने तो बोला नहीं, एटलीस्ट लेवियोसा ही बोलते तो हमारा दिन बन जाए। चलो पटाखा नहीं, फुलझड़ी बोल दो, फुलझड़ी ठीक है। Listen, I don't have boyfriend. We Riazians call you as our husband, so of course you have to do it. रोना धोना हंसना दिल, अजीब औरत है। वाह रे लेवियोसा और उसकी लेणू सेना, जैसी तेरी शक्ल है तू भी पटाखा है फुस्सी वाला। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान कभी उठता नहीं है, सॉरी हमेशा गिरता ही है, जैसे ये भोली लड़की। एक्सक्यूज मी, आप जल्दी इधर से भाग जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि मुझे यही भाभी चाहिए। दीदी भाग ने बोला था लुढ़कने नहीं, और ऐसे लुढ़कोगी ना तो तुम सांप सीढ़ी के डाइस को भी पीछे छोड़ दोगी लुढ़कने में। और वो तो अच्छा हुआ लुढ़कने का एरिया खत्म हो गया, नहीं तो दीदी लुढ़कते लुढ़कते अपनी सच्ची मोहब्बत के दिल में ही पहुंच जाती सीधा टच से। अजी आंटी जी, वो नवरात्रि का चंदा लेना। ना जी ना रखो, अपनों से चंदे नहीं लिया करते हैं। चलता हूँ जी, आऊंगा फिर। अरे बेटा कुछ, अरे बेटा इधर इधर देख ले बेटा, लास्ट के पीटे है। नहीं अगर ऐसे मेरे घर कोई शतुरमुर्गीय मानव चंदा मांगने आएगा ना, तो फंदा बना के उसी को बांध के उसमें लटका के इतना मारूंगा जितना उसका कांदा प्याज ना निकाल दूं। और अबे ऐसी बालों की वैरायटी मुर्गों में भी नहीं मिलती ना, नको बिल्कुल नहीं। तुम मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेटर कोई मिल गया है, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। अरे इतना प्यार करने पर भी लोग छोड़ कर चले जाते हैं, अरे इतना प्यार करने पर भी लोग छोड़ कर चले जाते हैं, अरे मुझे कोई तो समझा दो यार, वो बिना प्यार वाले रिश्ते कैसे निभाते हैं? वो सब छोड़ो, इसकी टॉफी पहले वापस करो, बेचारा वो सच में रो रहा पीछे। ये वही बच्चे हैं जो बचपन में माँ बाप द्वारा पलंग से बांध दिए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हरकतें गलत नहीं होती है, कुछ ज्यादा ही हरकतें होती है, इतनी ज्यादा हरकतें होती है कि माँ बाप परेशान हो जाते हैं। और इतने पंख तो चिड़िया भी नहीं हिलाती उड़ने के लिए, जितना ये जहरीला चमनप्राश जमीन पे हिल जा रहा है। और भाई मैं इतना आलसी आदमी हूँ, सही बता रहा हूँ, मेरे को अगर उठ के पंखा भी बंद करना होता ना, मैं नहीं करता, मैं ठंड में पड़ा रहता हूँ। और इसको देखो रोम रोम हिल रहा है बेवजह ही। हाँ बोल बाबू, तुम बहुत बदल गए हो। ये जो तुम कहते हो कि बाबू तुम बहुत बदल गए हो, ओ मेरी जान, तो ये भी सुन लो फिर, मेरे बदलने में तुम्हारा हाथ तो नहीं। थाम्बा थाम्बा, ये रंगीन प्रजाति का लेणू मानव हमेशा लाउड स्पीकर पे क्यों कॉल उठाता है? और हरकतें टेढ़ी आड़ी खुद की है, पर ब्लेम लड़कियों को ही करना है। चमनप्राश तेरे चुम्मे में चमनप्राश है नहीं। वैसे यार मुश्किल तो है ये। हाँ हाँ बोल बाबू, तुम बहुत बदल गए हो। ये जो तुम कहते हो कि बाबू तुम बहुत बदल गए हो, ओ मेरी जान, तो ये भी सुन लो फिर, मेरे बदलने में तुम्हारा हाथ तो नहीं। उसी।
सुपरमार्केट में एक थैले का भी लगता है पैसा, सुपरमार्केट में एक थैले का भी लगता है पैसा, और तेरा डांस एकदम तेरी शक्ल जैसा गंदा। हेलो दीदी। हाँ बोलो। सुनो ना, कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत ट्राई कर रहा हूँ, ऊपर से घर वाले ताने दे रहे हैं, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। टेंशन मत लो, मिल जाएगा जॉब। ओके ठीक है। हेलो दीपेश। हाँ बोलना। मेरे भाई का रिज्यूमे सेंड कर रही हूँ, उसका सिलेक्शन करा देना। ओके मैं कराता हूँ। अरे तू अचानक? हाँ दीदी, मैंने आपको अभी कॉल किया था और अचानक से मुझे फोन आया और जॉब भी लग गया। ये तो खुशी की बात है, अब तो खुश है। एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो दीदी, दीदी मेरे को कोई जॉब भी नहीं मिल रही, मेरी तो शक्ल भी गंदी है, मेरे को कोई लड़की अपना बाबू सुना भी नहीं मनाती, ना जॉब ना लड़की, क्या मैं सिंगल हूँ, नल्ले ही मरूंगा दीदी। नल्ले दीदी हूँ मैं यहाँ पे, अपना काम धंधा कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तेरे रोने धोने भी सुनो, शक्ल तेरी खराब है, बचपन से देख रही हूँ, नया क्या बता रहा हूँ, रोना बंद कर और फोन मत कर देना मुझे आज के बाद। शुभम लेडी, तुमने क्या करवा दिया, मैं तुम्हें शराब देता हूँ, हमारे घर नंगे नंगे बच्चे पैदा हूँ, वो भी टकले टकले। हाँ अरे शुभम, सुबह हो गई भाई, चल चाय पी ले। भाई सुनना, तू जा, मैं तुरंत छत पे से जाके आता हूँ। हम तो सुबह उठ के कहीं और से ही होके आते हैं। शुभम चाय पीने आ जा, मम्मी को बोल आज मैं पड़ोस वाले की तरह चाय पीने आया हूँ। लेकिन मैं एक ही कप चाय लाई हूँ। कहते हैं ना, झूठे से प्यार बढ़ता है। लो फिर पियो। ये कौन सा फ्लेवर है, टूथपेस्ट के साथ चाय है? शुभम लेंडी, सुनो ना, क्या मैं ये सुबह की चाय डेली पीने आ सकता हूँ आपके साथ टेरेस पे? हाँ। लेकिन दो कप में नहीं, एक ही कप में, ऐसे ही शेयर करके। चलेगा। लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पड़ोस में नहीं, आप मेरे घर में आ जाओ। मुझे नंबर मिल सकता है आपका? पी लो आपके हाथ का चाय फिर से एक बार। फिर से एक बार क्यों, पूरी चाय पी ले? नहीं पूरी चाय क्यों, पूरा कप खा ले, और फिर भी थोड़ा बहुत प्यार बढ़ाने अगर बढ़ जाए तो उस लड़की को भी थोड़ा सा कच्चा चबा लेना। ये शुभम लेंडी की हरकतें हैं, मैं बता रहा हूँ, इसको फ्री की चाय पीनी है पड़ोसन के घर, बस फर्जी। शुभम लेंडी एक तो लेट भी आएगा और ऊपर से डराएगा भी। नहीं शुभम लेंडी, अगर तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां पड़ी ना तो उसका कारण मैं बताता हूँ, तुमने झूठी चाय पी पी कर पटाया है सबको। एक तो चाय झूठी कर देते हैं। ऐसे बातें तो तू नहीं करेगा। अरे तूने धक्का कैसे दे दिया मुझे? आज के बाद मैं एक गंदा फेस मत दिखाऊंगा। अबे जिंदगी में और भी चीजें, एक छूटा दूसरा ढूंढने लगो, अबे काम धंधा कर लो कुछ है लेंडियो। हेलो क्या बात है? हाँ मेरा शुभम से ब्रेकअप हो गया है। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं आपके बिना नहीं रह पाती। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और तू यहाँ क्या करने आई थी बहन? समाज सेवा? अबे बॉयफ्रेंड ले जा रही है वो तेरा, जोड़ियाँ बना रही है मैडम, समाज सेविका जी। लो वो भी आ गया कन्यादान करने बेचारा। हाँ तो ये थी शुभम लेंडी और उसकी मनमोजी कहानियाँ। ऐसी नई कहानियाँ सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे भी पधारें कभी।